किनका दुकान है? हेलो भैया, आपका दुकान है? आपका है कौन? काम करने वाले ऐसे यहाँ पर, वो हम लोग ऊपर में देख रहे हैं जब मनी चेंज होता है क्या? जी। कहाँ कहाँ का पैसा था? हर जगह का, मैंने यहाँ होता है कि ऊपर में होता है? ऊपर ऊपर। आप लोग नहीं करते हैं? नहीं, सिर्फ आप लोग ये इंटर देते हैं। जी जी। कहाँ से रास्ता होगा? ऊपर से। मनी जो चेंज होता है वहाँ पर अभी हम लोग जा रहे हैं, और प्रत्येक देश का जो पैसा है वो हम आपको दिखाएंगे। है अंदर में? हाँ जी सर। कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया जी। हम लोग बोर्ड पढ़ के आ रहे हैं जी, पैसा चेंज होता है जी जी। कौन कौन से देश का ऐसे लेते हैं आप कि प्रत्येक देश का? हाँ, वो आप कुछ पैसा हम लोगों का दिखाएंगे। कुछ है आपके पास अवेलेबल? हर से, इंडिया से बाहर से भी अगर आप आते हैं, पैसा अगर डॉलर हो या कुछ भी हो तो यहाँ पर कन्वर्ट होता है। लेकिन वो पैसा जो है इंडिया के लोग नहीं देख पाते हैं, जो नोट कैसा होता है, उस नोट पर किसका क्या तस्वीर होती है, तो थोड़ा हम लोग दिखाना चाहते हैं। अगर एक दो नोट आपके पास होगा? तो मेरे पास नहीं, मैंने जमा कराने भेज दिया, लड़का जमा कराने सब भेज दिए। अच्छा, पूरा देश का पैसा लेते हैं या सिर्फ कोई चिन्हित देश का? नहीं, जो जो रिजर्व बैंक की गाइडलाइन है ना, उसी के हिसाब से लेते हैं। जैसे अमेरिकी डॉलर हो गया, डॉलर है, सऊदीया तरफ जाएंगे तो उधर रियाल चलेगा। देते भी है, देते भी है, देते भी है। कुछ कोई ऐसा नोट है कुछ आप सिर्फ सैंपल के लिए दिखा सकते हैं? तो उसका क्या कुछ काटते भी हैं कमीशन के तौर पर? वो तो 0.0018% का जो रिजर्व बैंक का जीएसटी है ना, वो लेते हैं। लेने में भी जैसे कोई $100 अमेरिकी डॉलर देता है तो आप उसे कितना? टिकट वीजा पासपोर्ट लेते हैं, टिकट वीजा पासपोर्ट लेके उसके बाद उसको जो ना बिल ये होता है हमारा बिल बन बना कर दे। जी जी। ये ना ये बना के देते हैं। अच्छा, ये आप उन्हें बना के देते हैं, जो जो पैसा देता है, जो पैसा हाँ एक्सचेंज कराएगा, जो खरीदेगा उसका टिकट वीजा पासपोर्ट पैन कार्ड सारा लेंगे, वो जीरोक्स आप लेते हैं? हाँ हाँ। इसके बाद आप उसे इंडियन पैसा देंगे? हाँ हाँ हाँ। वो वीजा होनी चाहिए उसकी, आए हुए की कहाँ से आया है, कहाँ, मतलब उसके पास ठोस प्रूफ होना चाहिए। इसके बाद आप चेंज करके वो बाहर लगा रखा मैंने सारा जो भी गाइडलाइन है उसी हिसाब से। चलिए ठीक है। अच्छा, ये जैसे $100 कोई देता है तो आप उसे कितना इंडियन पैसा देते हैं? वो तो उसका हिसाब होता है ना डेली का, कुछ एक अंदाजा बताते ना, रेट चलता है ना, जो रेट चलता है जैसे अभी लगभग 82 रुपीस। अभी हाँ, अभी हम जो ले रहे हैं डॉलर 82.50 में ले रहे हैं। 82.50 ठीक है। तो इसमें कुछ कमीशन भी काटते हैं कि .008% काटेंगे? जैसे $100 देंगे तो आप $100 उस पर ₹50 जो है ना वो जीएसटी लगेगा। जीएसटी लगेगा, इसके बाद आप उसे चेंज करके दें। तो कुछ भी सैंपल के लिए आपने रखे हैं, किसी भी देश का नोट नहीं है या रुपया? अभी नहीं है, सब बैंक भेज दिए। अभी बैंक में जमा कर गए ना, अभी लड़का जमा कर गए नहीं है। बाकी जिस जगह हम अभी मौजूद हैं इनके पास अभी अवेलेबल वो पैसा नहीं है, लेकिन आप फोटो के माध्यम से, फिगर के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे, जब प्रत्येक देश का अगर यहाँ पर लोग आते हैं तो उसका जो पैसा जो है कन्वर्ट किया जाता है इंडियन पैसा में, जो आप ये तस्वीर देख पा रहे होंगे। अच्छा, थोड़ा सा बाहर आइएगा, सिर्फ नोट बता दीजिए कौन सा देश का है और क्या नाम है ये बता दीजिए। जैसे पहला ये US डॉलर है। हाँ, अमेरिकन डॉलर है, अमेरिकी डॉलर। ये सऊदी अरब का रियाल है, रियाल है ठीक है। ये हाँ, यूरोप की एक करेंसी, बाईस कंट्री जो है ना वहाँ की करेंसी है यूरोप का। जी जी। ये इंग्लैंड का पाउंड है ठीक है। हाँ, ये सिंगापुर का है, सिंगापुर का। हाँ, सिंगापुर का ये डॉलर है, सिंगापुर का। अच्छा हाँ, ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, ऑस्ट्रेलिया का। ये ऑस्ट्रेलिया का है ठीक है। ये चाइना का है, चाइना का ठीक है। हालांकि एक चीज, ये सऊदीया का बोले ना, सऊदीया का एक फोटो है जहाँ पर वहाँ के जो राजा हैं उनका फोटो है, बगल में जो है मक्का का जो है बादशाह का है, और बगल में जो है मक्का का फोटो लगा हुआ है। हालांकि प्रत्येक देश में आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं प्रत्येक जो है एक तस्वीर आपको नजर आएगा। जैसे हमारा हिंदुस्तान में अगर इंडिया का जो पैसा की अगर बात करेंगे तो उसमें जो है महात्मा गांधी का फोटो लगा रहता है, जो हमारा देश का जो है राष्ट्रपिता है, और वही फोटो जो है प्रत्येक देश में अलग अलग वहाँ के जो राजा हैं, जो महाराजा हैं, या फिर उस कंट्री का जो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, अलग अलग देश में अलग लोगों का है। उसी हिसाब से देख पा रहे होंगे प्रत्येक नोट पर जो है किसी न किसी व्यक्ति का फोटो लगा हुआ है।